देश में आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। कभी आप अपनी गलती से तो कभी दूसरों की गलती से हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब जो वीडियो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन साथ ही एक संदेश भी देने वाला है। इस हादसे के वीडियो को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। देखिए आप, सड़क पर सब कुछ सामान्य है, इसी बीच सफेद रंग की एक कार आगे चल रही है, कार से पास लेती है और उसके ठीक पीछे आ रही बाइक आगे चल रही है, बाइक से टकरा जाती है और टक्कर होते ही बाइक सवार दंपति नीचे गिर पड़ते हैं। ये देखिए तस्वीरों, लेकिन बाइक चलती रहती है। हालांकि आपको बता दें इसके बाद जो चमत्कार होता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। टक्कर के बाद बाइक सवार दंपत्ति नीचे गिर पड़ते हैं और बाइक चलती रहती है। और बाइक पर 5 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है। करीब 300 मीटर तक चलने के बाद जब बाइक की रफ्तार धीमी होती है तो वो सड़क के किनारे डिवाइडर के पास जाकर गिर पड़ती है और बच्चा उछल कर डिवाइडर के बीच घास पर जा गिरता है। इस हादसे में बच्चे को जरा भी चोट नहीं आई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने तुरंत बच्चे को उठा लिया और उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। 19 अगस्त की शाम बेंगलुरु के नील मंगला इलाके में ये हादसा हुआ, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक के पीछे चल रहे कार के डैशबोर्ड कैमरे से दरअसल ये रिकॉर्ड हुई। वैसे तस्वीरें आगाह करती है हमें कि सड़क पर चलते वक्त यातायात नियमों का, ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करें। तो बेंगलुरु में तो बाइक सवार परिवार की किस्मत अच्छी रही कि बच्चा भी बच गया और माता पिता भी बच गए, लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस पर एक 50 साल की बुजुर्ग महिला की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। पैदल चल रही इस महिला को एक 20 साल की लड़की ने अपनी 15 लाख की इसी गाड़ी से घसीट कर मार डाला। अमीरों की गाड़ी को मर्डर की छूट, पैसा है तो सड़क आपके बाप की है, रॉन्ग साइट पर जेल, हत्या पर बेल। श्रेया दिल्ली के कनॉट प्लेस में गाड़ी चला रही थी, साथ में दो दोस्त थी। श्रेया की गाड़ी में एक महिला फंस गई, वो उसे 50 मीटर तक घसीटती रही। आसपास के लोग गाड़ी के पीछे भागे, श्रेया ने गाड़ी नहीं रोकी। श्रेया कनॉट प्लेस में गलत दिशा में गाड़ी चला रही थी, मौजूद लोग श्रेया की गाड़ी के पीछे हल्ला करते भागे। मौके पर मौजूद दो कांस्टेबल ने बैरिकेड लगाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी उठाकर लोगों ने पिछले चक्के से महिला को निकाला। गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। यहाँ पर कई लोगों ने उसे रोका, एक बाइक सवार ने यहाँ पर रोका और उसको शीशा उतारकर बोला कि उसकी गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है। जैसा कि लोगों का कहना है कि श्रेया अग्रवाल ने दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ देखा, उसके बाद दरवाजा बंद करके बड़ी तेजी से गाड़ी को आगे भगा दिया था। 20 साल की श्रेया यूपी के बरेली की रहने वाली है, पिता बिजनेसमैन है। मुंबई में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है श्रेया। बरेली से दिल्ली दोस्तों से मिलने आई थी, बरेली से ड्राइवर लेकर दिल्ली आई थी श्रेया, लेकिन होटल में ड्राइवर को छोड़ खुद गाड़ी लेकर निकली थी। हादसे के बाद आरोपी श्रेया का बयान सामने आया है। श्रेया के मुताबिक वो रास्ते में एक जगह खड़ी थी, तभी महिला उसके पास पैसे मांगने आई, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हो सकता है इस बीच महिला की साड़ी फंस गई हो और उसे इस बात का पता नहीं चला और हादसा हो गया। हालांकि पुलिस ने श्रेया को गिरफ्तार भी किया, लेकिन थाने से ही जमानत भी दे दी। श्रेया अग्रवाल की जमानत पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 दिन पहले ही दिल्ली की 30,000 कोर्ट का फैसला आया है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 2 लोगों को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने और महिला की मौत के बाद श्रेया को पुलिस थाने से ही बेल दे देती है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।